स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स यूनिट सेवन एक्सरसाइज 7.3। जो एक्सरसाइज 7.3 है उसमें हम आज क्वेश्चन को 4 से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन को 4 है वो रिलेट करता है फ्रैक्शन से। तो 3/5 एक फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में जो ऊपर वाले टर्म होते हैं उन्हें हम डिनोमिनेटर्स बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो हमारे पास जो आंसर दिया है तो डिनोमिनेटर 20 दिया, हमें प्रूव करना ही है। तो हमने लिखा 3/5 इक्वल्स टू, तो यहां में पहले ही 20 आ गया, मुझे ये वाला ब्लैंक निकालना है। तो ये वाले ब्लैंक के लिए मैं क्या करूंगा, मैं टेबल पढ़ूंगा। मैंने देखा कि 5 के मल्टीपल पे 40 कब आता, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 × 4 = 20, तो आया इसमें 4 पे। तो अब मुझे 3 से भी मल्टीप्लाई इसको करना है 4 को, तो कितना आएगा 12। तो हमने क्या किया, 3 × 4 = 5 × 4 = 12/20। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा सुन लेंगे एक बार। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल 3/5 लिखा और देन मल्टीप्लाई किया किसको, जो डिनोमिनेटर पोजिशन पे था उसको। जैसे ही ये जो 3/5 था जो फर्स्ट आया वो मल्टीप्लाई कर लिया हमने 3/4 से, तो 12 आया, और हमने 5 × 4 किया तो 20 आया। तो अब मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। तो बी पार्ट में अब हम क्वेश्चन राइट करेंगे। अब दोबारा से न्यूमिनेटर 9 दिया, न्यूमिनेटर 9 दिया है इसी क्वेश्चन के लिए। तो इसी क्वेश्चन के लिए 9 दिया है, तो हमें लिखना है 3/5। तो अब जो न्यूमिनेटर की पोजीशन पे 9 आ रहा है, दोबारा से हम मल्टीपल चेक करेंगे 3 के, तो 3 × 3 होता है, तो मुझे 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, 5 × 3 = 15। हम कर क्यों रहे हैं याद रखेंगे, जब ये जो 3 और 5 था, 3/5 में गिवन दिया है, अगर आप लोग ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे किससे करना है 3 से, तो इसके साथ ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट रहता है सी पार्ट, वो 30 है। सी पार्ट में 30 आया, दोबारा से 3/5, ये डिनोमिनेटर था तो डिनोमिनेटर नीचे होता है, तो 30 आया, दोबारा से मल्टीपल 5, 6 = 30, तो अब किससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी 6 है, तो 18/30। नेक्स्ट वाले में 27 है, तो 3/5 निकालना क्या है 27, तो 3 × 9 = 27 होता है, 5 को भी 9 से मल्टीप्लाई करो 45 आ, क्या आएगा 45, तो आंसर 27/45। तो हमारा क्वेश्चन इसी के साथ ये भी ओवर हो गया। जो मेरे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी के तहत है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फ्रैक्शन दिया है 5 वो 36/48 दिया। अब इस फ्रैक्शन को क्या बोला है उसने कि जब वैल्यू रिड्यूस करके या सिंपलेस्ट फॉर्म में आनी चाहिए, तो इसका ए पार्ट है जो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर 9 दिया है, न्यूमिनेटर क्या दिया है 9, तो अब क्या लिखेंगे, जो 36/48 है तो 9। अब करना क्या है, सिंपल सा रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, इसमें रिवर्स ऑर्डर में, अब 9 का टेबल इस साइड पढ़ो
तो नाइन वन जार नाइन थ्री जार नाइन फोर जार नाइन फोर जार का आंसर क्या आता है 36। अब यहां क्या आया, यहां पे 4 एक्स्ट्रा आ रही, क्या आ रही है 4 एक्स्ट्रा, तो मुझे ऐसा टेबल लगाना है कि 4 के मल्टीपल में 48 आए, या 48 को सिंपली 4 से डिवाइड करो, 4 वन जा 4 8 4 टू जा 8। अगर किसी को टेबल्स अच्छे तरीके से लग रहे हैं तो डायरेक्टली सबको पता है कि 12 के टेबल में आता है क्या लिखना, 12 मल्टीप्लाई तो यहां 12। अगर किसी को नहीं आता तो ये मेथड सही है, डिवाइड करो देन चेक करो, हमारे पास आंसर आ गया 9/12, क्या आया 9/12। अब जो नेक्स्ट रहता है वो है हमारे पास डिनोमिनेटर, क्या रहता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन भी सेम है, हाँ 4 दिया है तो दोबारा से लिखेंगे 36/48 और 4। तो भाई हमने 4 वाला तो अभी पढ़ा, 4 किसके टेबल में आता था, इसको जरा कुछ और तरीके से करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, 36 लिखो 48 लिखो, तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, कारण बताता हूं क्या है इसके। अब यहां आंसर आ रहा है 4, डिवाइड करना है तो 36 लिखा 48, अब टेबल चाहिए टिप्स पे तभी होगा, अब किसके टेबल में 4 आएगा और आंसर 48 आए, तो 12 4 जार हुआ 48, तो 4 यहां लिखी 12 से डिवाइड, अब इधर 12 से ही करेंगे तो 12 3 जार 36। ओके समझ में आ रहे हैं, तो इसका यहां वाला भी तरीका सही है कि टेबल पढ़ो 12 4 जार 48 हुआ, अब 4 तो आएगा ही आएगा, 4 आएगा ही आएगा, तो उल्टा होगा 12 4 जा 4 आया और 12 से ऊपर 12 3 जा 3 12 दोनों में कॉमन, तो सिंपल सी बात है, दोबारा देख लें क्या 36 और 48 लिखा, डिनोमिनेटर 4 36 बाई 48 3 बाई 4 आया कहां से, 12 का मल्टीपल या 4 के मल्टीपल बनाए, जब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी टर्म से तो 48 आंसर आता है, 12 4 जार होता है, 36 का बाय कॉमन टेबल लेंगे 12 3 जार, ये मैंने डिवाइड के तरीके से भी समझाया, 36 लिखो 12 से डिवाइड करो, और यहां पे टेबल बिल्कुल टिप्स पे चाहिए तभी आंसर लगेगा बता। ओके तो थैंक यू।